हमारी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मनुष्य शरीर भगवान में एज अ गिफ्ट दिया है। ओपन चेक, ओपन चेक, जो भरना चाहो भर लो। कर्मणाम संचितादीनाम जीवो धीनस तथापि ही स्वतंत्रतः क्रियमाणे वही कृतो भगवता विदा। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। कर्म होते हैं तीन प्रकार के। पहला कर्म का नाम है संचित कर्म, दूसरे कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म या भाग्य, और तीसरे कर्म का नाम है क्रियमाण कर्म। शॉर्ट में समझते चलिए, संचित कर्म का मतलब है हमारे अनंत जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों का टोटल स्टॉक भगवान के पास है। इस टोटल स्टॉक जो हमारे कर्मों का है, प्रत्येक जीवात्मा का पूरा स्टॉक है अनंत जन्मों का, जिस स्टॉक से ही वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि इसको मनुष्य का शरीर देना है, कि इसको कुत्ते का देना है, कि इसको बिल्ली का देना है, इसको भुगवाना है या इससे क्रियमाण करवाना है, नहीं इसको कुत्ता बनाना है, ये 12 साल तक केवल भोगे, नहीं इसने अच्छे कर्म भी किए हैं इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, शायद ये मेरी प्राप्ति कर ले, चलो इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो डिसाइड करते हैं भगवान, ये हमारे स्टॉक को देखकर, हमारे संचित कर्मों को देखकर, अच्छे और बुरे कर्म वो सबको देखते हैं भगवान, फिर डिसाइड करते हैं कि इस जीवात्मा को मुझे कौन सा शरीर देना है। हमारे कर्म जितने भी हैं वो सब स्टोर हो रहे हैं, उसको कहा जाता है संचित कर्म, पूरी फाइल है भगवान के पास। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। भगवान जब आत्मा और शरीर प्रदान करते हैं, उस आत्मा को यदि भगवान ने पशु का शरीर दिया है तो वो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वो केवल अपने कर्म को भोगने के लिए उसको वो शरीर मिला है। तो भगवान क्या करते हैं, उसके संचित में से जितने उसके बैड कर्म हैं, उसके अनुसार ही उसको भोगने के लिए कि बेचारा इस पाप को भोग ले और छुट्टी करे, उसकी ये भगवान की दया है। यदि भुगवाएंगे नहीं तो वो तो स्टोर और होता चला जाएगा, इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जितना पाप है उस पाप के अनुसार उसको उतना लाइफ स्पैन देकर और उससे उस पाप को भुगवा देते हैं। ये हो गया पशु पक्षियों का। और यदि किसी ने पूरे जीवन पुण्य किया है, बहुत पुण्य है, इतने पुण्य है कि पाप के दर्शन ही नहीं होते, तो उनको देवता बनाते, चलो भाई तुम पुण्य भोग लो, वो भी भोगना ही है क्योंकि वहां भी दुख मिश्रित है, पुण्य में भी दुख मिश्रित, पाप में भी दुख मिश्रित, क्योंकि पुण्य भी भोगना लिमिटेड है, वहां कोई अनलिमिटेड हैप्पीनेस तो नहीं है। तो पुण्य किया, सुख मिला, लेकिन और इच्छा हुई, डिजायर्स है यहां पर, डिजायर खत्म नहीं हुए, जब एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगा तब डिजायर्स फिनिश होंगे। तो पुण्य करने वाले भी जो देवता हैं, उनको भी भोगने के लिए भगवान शरीर दे देते हैं। एक अपॉर्चुनिटी यदि देते हैं तो वो है मनुष्य को देते हैं, तो हमारे संचित में से एक स्टॉक में से एक पार्ट निकालते हैं, एक टुकड़ा निकालते हैं और इस फॉर्चुनेट मनुष्य को देते हैं कि तुमको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें खुद उद्योग परिश्रम करने की, और 3% मैं तुमको ये दे रहा हूं, तुम इसको भोग लो। पशु पक्षियों को सारा जीवन मिलता है केवल भोगने के लिए, नो अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म न्यू एक्शंस। तो भगवान मनुष्य को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि 3% भाग्य कर्म, प्रारब्ध कर्म तुम्हारे जीवन में निर्धारित है,
पक्का है, इसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये मेरा नियम है, ये तुम भोग लेना। 97% थर्ड है स्वतंत्र क्रियमाणे वही, स्वतंत्र क्रियमाणे वही कृतो भगवता विदा। और तुम 97% क्रियमाण कर्म, अभी जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, ये कर्म को करने के लिए हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं। चाहे तो इतना बेस्ट कर ले कि साहब शिखर पार कर ले और अपने गोल को पा ले, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, और चाहे तो इतना पतन कर ले कि बार बार कुत्ता बिल्ली गधा बनने के संकल्प ले ले। तो ये हमारी स्वतंत्रता है। आपको डकैत बनना है, उधर जाइए, भगवान उसके लिए शक्ति दे देंगे। आपको अच्छा बनना है, आप उधर चलिए, भगवान आपको शक्ति दे देंगे, परंतु वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमको मनुष्य शरीर भगवान ने एज अ गिफ्ट दिया है। ओपन चेक, ओपन चेक, जो भरना चाहो भर लो। इतने स्वतंत्र हैं हम कि हम जो सोचे जो करें भगवान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई भगवान से भी ज्यादा बड़ा गुरु को कहा जाता है। भगवान का मैंने शक्ति दे दी बाबा, मेरा काम खत्म, तुमको मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया। इंडिपेंडेंस का मतलब नो इंटरप्शन, नो इंटरफेरेंस, आई विल नॉट इंटरप्ट। भगवान तो साइड हो जाते हैं, लेकिन गुरु वो हमारी स्थिति से संत बना है, वो भी कभी ऐसा ही था, वो हमारे दर्द को समझता है, इसीलिए संत बेचारा रिस्क ले लेकर हमारे अपमान सह के भी हमें दिशा दिखाता है। वो इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहता क्योंकि वो गुजर के आ चुका है, वो पता है उसको कि तुम यहां पर पैर रखोगे कीचड़ में जाओगे, दलदल में जाओगे, मरोगे, इसीलिए वो बचाता है। इसीलिए संत को भगवान से भी बड़ा कहा गया। भगवान अपने ही रूप संत को जगत में भेज देते हैं कि तुम उनके दर्द को भली भांति समझते हो क्योंकि कभी तुम भी जीव रहे हो, इसीलिए तुम उसकी रक्षा करो। तो स्वतंत्र क्रियमाणे वही, हम अपना कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो ऑब्वियस है कि जो इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ब्रिलियंट होगा, वो क्या करेगा? क्या वो 3% को लेकर बैठा रहेगा या 97 के लिए प्रयास करेगा? तो हमें भाग्य को नहीं देखना है, भाग्य में जो है ठीक है, हमें क्रियमाण करके और बढ़िया भाग्य बनाना है, और क्रियमाण करना है, परिश्रम करना है। तो इसका उच्चारण सीखिए, कर्मणाम संचितादीनाम, कर्मणाम संचितादीनाम, जीवो धीनस्तथापि, जीवो धीनस्तथापि, स्वतंत्र स्वतंत्र क्रियमाणे वै, क्रियमाणे वै, कृतो भगवता विदा, कृतो भगवता।